तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चाहे उनका चैनल मोनेटाइज हो गया हो या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी उनके लिए जिसका यूट्यूब अर्निंग कट होता है। और मेरे हिसाब से लगभग इंडिया में जो काम करते हैं 70-80% लोगों का अर्निंग कटता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग 100% लोगों का अर्निंग जो है कट हो जाता है हर महीने के जो भी अर्निंग होती है 30 तारीख के बाद। उनकी अर्निंग जो हमें इस्टीमेटेड अर्निंग यूट्यूब स्टूडियो पे दिखाता है उसमें से कट होने लगता है, और मेरे साथ ऐसा हर महीने होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ पिछले एक महीने में मेरा अर्निंग कट नहीं हुआ था, एक दो महीने उसमें भी थोड़ा बहुत कम हुआ था, लेकिन मैं क्या बताऊँ, जब मेरा मोनेटाइज हुआ था चैनल उस टाइम पे मेरे चैनल पे करीब एक महीने में $80 के आसपास अर्निंग हुई थी, और केवल दो वीडियो मेरा वायरल हुआ था उसी से उतना अर्निंग हुआ था। लेकिन जैसे महीना ख़त्म होने के बाद अपडेट हुआ तो उसमें से मेरा $35 ही रह गया यूट्यूब स्टूडियो में, बाकी का सब उन्होंने काट लिया। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा कि पहले महीने का है, मैं सोचा हो सकता हो कि ज़्यादा अर्निंग हो गई हो इसके वजह से इन्होंने कट कर दिया हो। फिर मैंने बोला चलो ये आम बात होगी नए यूट्यूबर के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो का जो मेरा स्क्रीन शॉट है, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अब तक मैंने कितना पैसा कमाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट देख लें जो इस महीने का है। इस महीने में करीब 8 या उससे ऊपर डॉलर अर्निंग हुई थी, और उसमें क्या हुआ कि अभी आपके सामने जो शो हो रहा है ये करीब $4-5 के आसपास है, और आप बीच में देख सकते हो जो कि दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको पूरी डेडलाइन जो है एकदम साफ कर दिया इन लोगों ने। मतलब कि अगर मान के चलो हर वीडियो पे आप अगर रेशियो निकाल ले पूरी महीने की, तो पूरी या तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थोड़ी अप डाउन, या तो पूरा का पूरा साफ ही कर दे रहे हैं इन लोग, जीरो कर दे रहे हैं। मतलब 10-15 दिन की अर्निंग जो है वो मेरा पूरा एकदम सपरचट कर दिया इन लोगों ने, आपको यह साफ साफ दिख रहा है। और इसी महीने की नहीं, मैं आपको यहाँ पे अगर लाइफ टाइम का भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो आसानी से कि कितने जगह पे एकदम डेड लाइन है, मतलब कि कोई है ही नहीं अर्निंग, साथ सीधे सीधे सपरचट कर दे। कुछ कुछ महीने में मेरा $10-15 आसपास अर्निंग हो जाती है, फिर भी इन लोग हमें क्या देते हैं 20 पैसे, 1 रुपये, मतलब $1.20 ऐसा हमें अर्निंग देखने को मिला हमारे चैनल पे। और मैं अगर आपको एडसेंस में भी दिखाऊं जो अपडेट हुआ है हमारे चैनल पे, जो कि एडसेंस में हर महीने का जो भी होता है 10 से 15 तारीख के बीच में हमारा अर्निंग एड होता है, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं जैसे महीना ख़त्म होता है 1 से 10 तारीख के बीच में जो कटना होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो कि हर महीने कितने कितने ऐड हुए, किसी किसी महीने 20 पैसे 50 पैसे, $1, ऐसे ही आपको यहाँ पे पूरी इस्टीमेट अर्निंग दिख रही होगी जिसमें ऐड हुआ है एडसेंस में। तो आपको सारी यहाँ पे हमने प्रूफ दिखा दिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह कन्फ्यूज़न होगा आखिर अर्निंग कटता क्यों है, तो जिन लोगों को नहीं पता है कि आखिर अर्निंग क्यों कटती है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि एडवर्ड से जब कोई भी एड खरीदता है, मतलब एड चलवाता है यूट्यूब के एल्गोरिथम से, तो उसमें क्या होता है कि एक तो बिलिंग वाले एड चलते हैं, और कुछ होता है पहले ही आप पेमेंट करते हो, जैसे सिम में होता है ना पोस्टपेड प्रीपेड, उसी तरह से एड में भी होता है। तो जब एडवर्ड में क्या होता है कि कुछ लोग बिल बाद में देते हैं, मतलब कि अगर मान के चलो एक महीने का उन्होंने एड अपने लिए ख़रीद लिया है, तो वो बोलेंगे कि ये महीना एड चला दो फिर मैं पैसे आपको दे दूंगा। तो क्या होता है कि जब वो बिल नहीं मिल पाता यूट्यूब को, जैसे कि उसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर एक महीना एड चल गया तो 1 से 10 तारीख के बीच में जो भी मैनेजमेंट होता है अगर नहीं हो पाता है, तो इन लोग क्या करते हैं यूट्यूब वाले हमारे अर्निंग काट देते हैं। अगर जिस जिस एड पे एड चला है और किसी ने क्लिक किया है और उस एडवर्टाइज़र ने पैसे नहीं भरे यूट्यूब को, तो वो क्या करता है वो अर्निंग जो है हमारे में से काट लेता है, क्योंकि उसका जो हमारा 45% उसने रख के हमें जो इस्टीमेटेड अर्निंग हमारे यूट्यूब स्टूडियो में शो किया गया है वो क्या होता है वो हमारे में से काट दिया जाता है, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि इनवैलिड क्लिक हो गया और इसके वजह से अर्निंग कट जा रही है आपकी। तो इसमें एकदम किसी के पास प्रॉपर रीज़न नहीं आखिर अर्निंग क्यों कटती है, लेकिन ज़्यादातर अगर इस यूट्यूब हेल्प कमेटी से अगर हम बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर यही बताया जाता है कि इनवैलिड क्लिक है या फिर एडवर्टाइज़र ने पैसे नहीं भरे हैं, तो ये होता है। अब
आप ये बताओ कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारे YouTube पे वीडियो पे एड चल रहे हैं और क्लिक भी कर रहे हैं लोग, अब पैसे एडवर्टाइजर नहीं भरे तो हम क्यों भुगते हैं? मतलब ये तो बात वही हो गई कि आप सीधा बोल रहे हो कि एक मजदूर को मजदूरी पे लगा दिया आपने, पूरा काम करवाया, उससे बोलोगे कि भाई जो मेन मालिक है ना उसने पैसे ही नहीं दिए, मैं आपको भी नहीं दूंगा, आप खाली आज चले जाओ। ये कौन सी बात हुई? मतलब आप मजदूरी करवा रहे हो बंदे से, वो फुल मेहनत से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, और जैसे ही शाम ढलती है आप बोलते हो कि आपको पैसे नहीं देंगे, फिर क्या बीतेगी उसके ऊपर? वो तो सीधा ही डीमोटिवेट हो जाएगा। जैसे ही उसे पैसे मिलते तो थोड़ा मोटिवेट होता है कि चलो और वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, कुछ और पैसे आएंगे। लेकिन YouTube क्या करता है ना कि लास्ट में आते आते पहले तो खूब सपने दिखाता है, ढेर ढेर अर्निंग दिखाता है ताकि लोग काम करें। जैसे महीना आता है, 2 दिन बाद कुछ कट गया, 4 दिन बाद कुछ कट गया, मतलब 10 तारीख आते आते पूरा साफ ही हो जाता है। अगर आपके पास $100 हो गया तो 2 दिन के बाद कुछ काट लेगा, फिर ऐसे ऐसे 10 तारीख आते आते वो 40-50 ही बच जाता है, $60 तो काट लेता है। जो पहले आपसे जो कमीशन ले रहा है 45%, वो तो रख लेता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी क्यों काटता है? अगर हमारे पैसे काटने ही है तो उतने ही दिखाओ ना। एस्टिमेट अर्निंग का मतलब क्या होता है कि लगभग उतना होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई $50 महीने कमा रहा है तो यही होगा, $10 काट लोगे इनवैलिड क्लिक में, अब पूरा साफ ही कर दोगे, ये कौन सी बात हुई? तो ये चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग वीडियो बना के अपने चैनल पे डालेंगे, जो भी है अगर जिस चीज़ का अर्निंग घटा है, उन लोग अपने स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो बनाओ, अपने चैनल पे अपलोड करो, और चाहते हो तो आप इस वीडियो को भी आप हर जगह शेयर कर सकते हो ताकि लोगों को पता चले, वो आवाज़ उठाए, और आप इस वीडियो को और भी जगह प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आप इसे शेयर कर सकते हो हर जगह, ताकि ये वीडियो यूट्यूब के किसी एम्प्लॉय के पास जाए और वो इस पर कुछ एक्शन ले। अगर हम कोई जवाब मांगते हैं तब भी नहीं देता इस टॉपिक पे यूट्यूब, ऐसा क्यों? ये तो गलत है ना यार। तो आप इस पर आवाज़ उठाइए, और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इन लोगों तक तो बात नहीं पहुँचेगी, और ये हमेशा हमारी मेहनत पर पानी फेरते रहेंगे। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर YouTube का कोई भी एम्प्लॉय देख रहा है तो ये हमें बताओ कि अगर एडवर्टाइज़र पैसे नहीं देते तो काट लेते हो, चलो काट लेते हो, सही है, लेकिन अगर वही एडवर्टाइज़र बाद में अगर आपको पेमेंट दे देता है तो फिर अपडेट भी करना चाहिए ना। अपडेट क्यों नहीं करते हमारे अर्निंग? वो तो आप समझ में आता है कि एडवर्टाइज़र ने पैसे नहीं दिए तो हमारे काट दिए, लेकिन अगर वो पैसे दे देता है एड के, जो एड चले हुए हैं, फिर अपडेट तो करना चाहिए हमारा अर्निंग कि हाँ एडवर्टाइज़र ने पैसे दे दिए तो आपका अर्निंग ऐड किया जा रहा है जो कट गया है, बनता है ना लॉजिक? तो आप देख रहे हो वीडियो तो समझो इस बात को, और ये वीडियो आगे तक भी पहुंचाओ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, और बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस पे वीडियो डाल रहे अपने चैनल पे, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी इस टॉपिक पे आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये फ्यूचर में हो सकता है कि और भी ज़्यादा इन लोग इसको आगे कर दे और पूरा पैसे ही काटते चले जाए, तो हम क्या करेंगे? हम चूतिया थोड़ी बैठे हैं, अरे मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, फिर कोई एक वीडियो बनता है और उस पर कुछ पैसे आते हैं तो वो भी YouTube खा जाता है। तो आप क्या समझते हो इस टॉपिक पे, आप भी हमें कमेंट करके बता देना, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करो। उम्मीद करता हूँ आप सब चीज़ समझ गए होगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, गुड बाय।